नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे सील हला राजधानी रो यूनिट 4 मार्केट शटडाउन रे दुकान खोली थिबारो बीएमसी रो एक्शन से पटे राज्य रे पूर्णी अनस्तरी जीवन नेला वायरस खोरधारो 21 मृत 24 घंटा रे 1243 नुवा पॉजिटिव आंबुलेंस रे धला जहर रोगी सेवा बदल रे पलटिछि ड्रग्स चालनर माध्यम सोशल मीडिया रे कारबार रो वीडियो वायरल वीडियो टी भद्रक चरंपा बौळ पोखरी अंचल रो होइतबा चर्चा गुजरात चालरे नुआपड़ा जिला मुख्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी कार रे नेउथिले 2,77,000 टंका पिछा करी धरिला विजिलेंस टीम अधिक तदंत पई चालिछि छानबीन जम्मू काश्मीर रे टेरर फंडिंग उपरे महाप्रभाव एनआईए रो सबुठ बड़ा ऑपरेशन 14 जिलार 45 ठिकाणा रे चढ़ाओ तुर्की व दुबई जरिया रे पाकिस्तान रो आसुथवा टंका उपरे नजर काली भारत फेरिबे गोल्डन बॉय जावलिन थ्रो रे स्वर्ण पदक जीते नीरज करिछंती इतिहास फोन करी कथा ले प्रधानमंत्री विभिन्न महल रे शुभेच्छार सुअ कुस्ती रे भी कबाल बजरंग का नाँ रे ब्रोंज भुवनेश्वर डेंगू भय राजधानी में 850 आक्रांतों संख्या तथापि बीएमसी रो पशुनी चिंता नियंत्रण पर उचित पदक्षेप निया श्रीमंदिर चिता लगी अमावास्या नीति महाप्रभु को लगे रत्न चिता रत्न सिंहासन रे महाप्रभु को चिता लगी करिबे बाड़ग्राही दईता नीति परे महास्नान बढ़ी सहित हेबो अन्य नीति संपूर्ण खबर को आसीबा सील होई भुवनेश्वर 4 नंबर माछ मार्केट अनिर्दिष्ट काल जाए मार्केट को सील करिछि बीएमसी शटडाउन रे मार्केट खोला थिबारो कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि कटकणा कोहळ होइथिले मध्य कोरोना संक्रमण कमी नाही प्रति शनिवार रविवार बंद रहुछि दुकान बजार तबे कटकणा को अमान्य करी आज 4 नंबर माछ मार्केट रे किछि दुकान खोला थिबा देखिबा को मिलिछि एने बीएमसी पाखरे खबर पहुंचथिला या परे बीएमसी रो एक टीम मार्केट रे रेड करथिला बीएमसी रो अतिरिक्त कमिश्नर कर सहित जेडीसी मध्य एथिरे शामिल होइथिले आज तीनोटी गोदाम खोला रहिथिबा सूचना मिलथिला किंतु चढ़ो समय अन्य दुकान मध्य खोलिथिबा देखिबा को मिलथिला तबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि शटडाउन समय रे राजधानी रो 4 नंबर माछ मार्केट को सील करबा पई बीएमसी बाध्य होइछि जेहेतु नियम रहिछि शटडाउन रे दुकान बजार खोला होइ परिबो नाही नियम को पालन करि नथिबारु बा नियम उल्लंघन करथिबारु एभले एक कड़ा पदक्षेप नेबा पई बीएमसी बाध्य होइछि गत सप्ताहठू प्रत्येक सैटरडे संडे को टारगेट कला बेलू 4 नंबर नॉन वेज मार्केट ओपनली खोला रहुथला आमे परिलक्षित करी तांकर उत्तराधिकारी बा सभापति सेक्रेटरी मानक सहित परामर्श करथिलु सेमाने आमे आमको द्वितीय थर लास्ट 2 वीक्स होगला आमको कमिटमेंट करथुले जे आमर सैटरडे संडे रे आउ खुला रहिबो नाही आज जेतेबेले कैफत मुताबक बा तांकर सहमति मुताबक आमे आसिक देखिलु नाही नथिबा भिड़ कोविड गाइडलाइंस रो खुलम खुला उल्लंघन तेणु 4 नंबर माछ मार्केट सहित पासरे गोटे दुकान अच्छी नॉन वेज रो ए समस्त अनिर्दिष्ट काल पई बंद रहला एपर्यंत आम पाखु नोटिस हस्तगत होइनि किंतु सेमाने तांकर सरप्राइज विजिट रे आसी तांकर सेमाने जहा बर्तन आमको गोटे माने कहि देकि जाइछन्छि मार्केट सील होले बाक तांकर स्टाफ अछन्छि पुलिस स्टाफ को जगे देकि जाइछन्छि ए भितरे जहा मार्केट होछि हे परिवनि बोल व्यवसाय हे परिवनि बोल जो तीनटी गोदाम आज आम संघ भितर रही संघर माने माने नियम नियमावली की शर्तावली की मानि नहांती
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆକ୍ସନ ନେବୁ, ତାପରେ ବିଏମ୍ସି ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ ଆଉ। आंबुलेंस भितरे बुहा जाउछि धळा जहर रोगी को बुहा हेबाकु थिबा आंबुलेंस को सुरक्षा कवच भाव में व्यवहार करी एभले कार्य चलिछि। एभले एक वीडियो एबे सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि। वीडियो टी भद्रक जिला चरंपा बौळ पोखरी अंचल रो बोली जणा पडिछि। आंबुलेंस को चलाउथबा ड्राइवर एवं सहयोगी ब्राउन सुगर टाणुथबार वीडियो रे मध्य स्पष्ट भाव रे देखिबाकु मिलुछि। ए वीडियो एबे वायरल होइछि। विजिलेंस सेल रे नुआपड़ा जिला मुख्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी 2 लाख रु ऊर्ध टंका धरी जाउथवा समय त्रिलोचन धळों को धरिछि। नुआपड़ा विजिलेंस सरकारी बासभवन एवं ऑफिस रे विजिलेंस पक्षरु रेड मरा जाइछि। नुआपड़ा डीएसपी सत्यवान महानंदन को नेतृत्व रे आज भोर 4टा समय रे ए चढ़ाव करा जितला। जम्मू काश्मीर रे टेरर फंडिंग उपरे महाप्रहार एनआईए रो सबुठ बड़ कार्यानुष्ठान 14 जिल्लार 45 स्थान रे चढ़ाव करा जाइछि। कहा जाउछि टेरर फंडिंग मामला रे एहा एनआईए रो सबुठ बड़ ऑपरेशन चढ़ाव बेले जमाती इस्लामी रो ठिकाना मध्य रहिछि। श्रीनगर बड़गांव बारामूला कुपवाड़ा भली जिल्ला रे एबे चढ़ाव अभियान चलिछि। ए केंद्र उपरे 2019 रे 5 वर्ष पर्यंत प्रतिबंधक लगाइथिला। तेरे सूचना हिसाब रे जमात स्वास्थ्य एवं शिक्षा ना रे पाकिस्तान रो गुइंदा विभाग थारु टंका ग्रहण करूथिला, जो टंका दुबई एवं तुर्की भली देश रो आसुथिला। घाटी रे धारा 370 हटिबा परे पत्थरबाज एवं आतंकी गतिविधि रे किछिटा विराम लागिछि। एहारी भितरे एभली कारबार उपरे कड़ा नजर रखा जाय। आज चितालागी अमावास्या ए अवसर रे श्रीमंदिर रे स्वतंत्र नीति कांति करा जाउछि। आज महाप्रभु को रत्न चितालागी हेबो। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को हीरा चिता, प्रभु बलभद्रंकर नील चिता एवं देवी सुभद्रा को पाना चिता लागी करा जिवो। एही दिन सागर विजय करथिबा अमावास्या ठाकुर श्रीमंदिर को बाहुडा विजय करबा परे पति महापात्र बाड़ग्राही दईता माने रत्न सिंहासन रे अधिष्ठित श्रीजूंकर चिता लागी करिथांती। स्नान पूर्णिमा दिन रात्रि रे श्रीजू मानकर श्री कपाल देशरु एही सुवर्ण चिता को ओलागी करा जैथाय। रथर यात्रा दिन महाप्रभु को 16 चिता लागी करा जाय। तबे आज 16 चिता को ओलागी करी रत्न चिता लागी करा जिवो। भद्र बाड़े सुभद्रा महादेवी बाड़े आउ महाप्रभु जगन्नाथ बाड़े तीन प्रकार अलग अलग चिता लगी होता है। सुवर्णर हेले भितर मझीरे जो स्थापित होता है कि माणिक्य धारण करती महाप्रभु बलभद्र आउ पाना धारण करी देवी सुभद्रा आ महाप्रभु जगन्नाथ धारण करी हीरा। यही भाव में महाप्रभुंकर जो जगन्नाथ सात फेरा अच्छी तरह हीरा नीला माणिक्य धारण करी महाप्रभुंकर संपूर्ण भाव में पाटरे वस्त्र दृढ़ी भूत करने बंधा होता है। संपूर्ण से ही चिता लगी सरी सरला महास्नान होता है। महास्नान सरी सरला महाप्रभुंकर अन्य नीति बढ़ी थाए। सारा राज्य रे एसी मानंक ऊपर हेउथबा अत्याचार एबे बढ़ी पड़ी चलछि। दुर्नीति विरोध रे मुह खोलिले शासक दलर गुंडा माने करछन्ति आक्रमण। दिनक दिन आइन श्रृंखला परिस्थिति बिगिड़ी बारे लागिछि। यार समाधान नहले आगामी दिन रे बीजेपी पक्षरु आंदोलन करा जिवो। एनै सुवर्णपुर जिल्ला बीजेपी देइछि चेतावनी। ता सहित सुवर्णपुर जिल्ला रे थिबा हस्ततंत उपनिर्देशक को सहकारी उपनिर्देशक करिछन्ति सरकार। जिल्ला दिनक दिन उन्नति करिबा बदल रे जिल्ला रे दुई दुई जन टाणुआ मंत्री थाई मध्य अवनति करूची, जहाँ को बीजेपी पक्षरु कड़ा निंदा करा जाइछि। यहाँ को नहीं बीजेपी आंदोलन करिबा बोली सीधासळख देइछि चेतावनी। समग्र ओडिशा रे 30टा जिल्ला रे एससी मानकर प्रति हौतबा अविचार अन्या अत्याचार प्रतिवाद रे आज हमर सामाजिक सम्मेलनी बाळकाटी रे सोशल मीडिया रे प्रधानमंत्री आवास एवं अन्यान्य एनआरजीएस रे पैसा दुर्नीति उपरे जेतेले प्रतिवाद कले सेताल को मरणांतक आक्रमण हला। जगतसिंहपुर रे महिला माने जेतेले डिमांड कले जे एनआरजीएस टंका मात्र 22 टंका आमर अकाउंट रे पडुची, तार जेतेले सने ब्लॉक रे जेकि अभिजोग कले ताहांको मरणांतक आक्रमण हला। एवं एससी मोर्चा राज्य सभापति एवं समस्त जेकि बहुत एसपी को देखा कला पर नो एक्शन
ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଷ୍ଟେଚ୍ୟୁଟରୀ ବଡ଼ି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଏସ୍ସି ଆଡ଼ଭାଇଜରି କମିଟି ଫଙ୍କସନ୍ ନାଇଁ କର୍ବା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ଏସ୍ସି ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆଟ୍ରୋସିଟି ମ୍ୟାଟର୍ସ ବୁଝିବାର୍ ଲାଗି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ମନିଟରିଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଅଛେ, ସେଟା ବି ଫଙ୍କସନ୍ ନାଇଁ କର୍ବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେନ୍ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ରେ ଆଜି 21 ବର୍ଷ ସରକାର ଅଛେ, ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ତାଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ଶୁଣିଲି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା, ସୋନପୁରର ଏଡ଼ିଟି ଅଫିସ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍କେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରାହେଇଛି। 2008ରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି 13 ବର୍ଷ ପରେ କାରଣ ୱାର୍କଲୋଡ଼ କମିଗଲା। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର 100 କ୍ରୋର୍ସରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ୱିବର୍ସ କମିଟି 5% ଅଛନ୍। ତ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମର ସମାଧି ଶୁଣିନି। ବାଡ଼ିର ନଡ଼ିଆ ଉଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଆ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ, ଦୁଇ ମାଆ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧୂସୁରୀ ଥାନା କୁରୁଆ ଗାଁରେ। ବାଡ଼ିରୁ ନଡ଼ିଆ ଉଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶାନ୍ତିଲତା ନାଥ ନାମକ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଜାଲିରେ କରାଯାଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଧୂସୁରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା। ଏ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫଳ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ପାଟିଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ମାଆର ତାଙ୍କର ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର 6 ଜଣ ଯାକେ ଘରେ ପଶିକି ଆମକୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଥାନାକୁ ଗଲୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଟୋଟାଲି ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ କର୍ଣ୍ଣମୂଳିକି ହାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରିଥିଲେ ବାଟାମ ପଲ୍ହଙ୍ଗ ବାଡ଼ାର ବାଟାମ ଧରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ପିଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ତ ଟୋଟାଲ ଆଗରୁ ଏମିତି ବି କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଥାନାକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ହେଇନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ କେସ୍ ହେଇଛି। କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହିତ ଦୁଇ ମାଫିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରଫ। ଲମତାପୁଟ ପଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ମାଫିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଡରାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ସହରରେ କରୋନା କମିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ଆଉ 46 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 877କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବେ ବି ବିଏମ୍ସିର ଚେତା ପଶିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, 2 ଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନିରଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ଏକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତର ସୁନା ପୁଅ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ନିରଜ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆଥଲେଟ୍। ସେ କେବଳ ପଦକ ଜିତିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି ନିରଜ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂରେ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ। ନିରଜ ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଭାରତର 2012 ମେଡାଲ ଟାଲି ରେକର୍ଡକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ 87.03 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ରେକର୍ଡ 87.58 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫୋପାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
तृतीय राउंड रे 76.79 मीटर दूर जैवलिन थ्रो करते भारत पे आनीते सुना पदक। टोकियो ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीति इतिहास रचिंट नीरज चोप्रा। फ्लाइंग सिख भावे परिचित महान धावक मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक समर्पित करिसंती नीरज। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार ये इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। आज बहुत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि भारत ने पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता है। पूरे देश के अंदर खुशी उल्लास है। निश्चित रूप से चोपड़ा के कारण जो हमने गोल्ड जीता है उससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी। ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीति देश को गर्वित करिसंती नीरज चोपड़ा। तांक सफलता पाई सारा देश रे खुशी रो लहरी खेली जायछि। राष्ट्रपति ठारु आरंभ करी प्रधानमंत्री ओ बहु विशिष्ट व्यक्ति विशेष माने तांकु शुभेच्छा जणाइछंती। सेपटे हरियाणा स्थित नीरज को घर सम्मुख रे उत्सवर माहौल सृष्टि होइछि। पुअर सफलता पाई नीरज को बापा गर्व अनुभव करिसंती। देशर स्वप्न को तांको पुओ पूरण करिछि। नीरज देश पाई गौरव आनिथिबारु खुशी व्यक्त करिसंती बापा सतीश चोपड़ा। सेपटे स्थानीय लोके टीवी परदारे नीरज को प्रदर्शन देखिबा सह तांको उत्साहित करथिले। नीरज स्वर्ण पदक हासिल करिबा परे वंदे मातरम ओ भारत माता की जय ध्वनि रे प्रकंपित होइतिला समग्र परिवेश। हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो देश का सपना था वो हमारे बेटे के थ्रू पूरा हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। टोकियो रे स्वर्ण पदक जीति भारतीय एथलेटिक्स रे आउ एक स्वर्णिम अध्याय जोड़िचंती नीरज चोपड़ा। नीरज को ई सफलता पाई सारा देश रे खुशी रो लहरी खेली जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तबे खूब शीघ्र नीरज भारत फेरिबे ए बाबद रे अधिक आलोचना करबा आम सहित आमर प्रतिनिधि सुशांत साहू फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती। सुशांत कोन अपडेट रहछि? निश्चित भाव श्रुति लग्न आपण जानते जो 121 वर्ष जो इतिहास रही भारत जे कि 1900 मसीह आज पर्यंत भारत केबे ओलंपिक रे कोनोसी आथलेट भारत स्वर्ण पदक जीति नथिले। आपण 1960 ओलंपिक रे जानते मिल्खा सिंह 4 नंबर रे फिनिश करते से 1984 मसीह ओलंपिक रे पीटी उषा 4 नंबर रे फिनिश करते अल्पके पदक रु वंचित होते। मात्र नीरज चोपड़ा जो भाई भाव गोल्ड जितवा सह इतिहास रचिंट निहत भाव सबुआड़े देखिए प्रशंसा स्रोत छुटुची। अन्यपक्षे जहाँकि आम पाखे सूचना रही भारतीय क्रिकेट बोर्ड ठू आरंभ कर आईपीएल फ्रांचाइज चेन्नई सुपर किंग या सहित केवल हरियाणा सरकार नुह अन्य राज्य मैंने सरकार आर्थिक पुरस्कार राशि हाथ बढ़ई। अन्यपक्षे कह ग जो से भारत फेरबे आज हूँ आप जानते आज हूँ क्लोजिंग सेरेमनी जोटा कि आमर रही क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय पता धरवे रेसलर बजरंग पुनिया जीक भारत ब्रोंज जीति तेणु एथरो देखिया गले से ब्रोंज पदक जीतिथिले एवं भारत पई से आज जो क्लोजिंग सेरेमनी ने पताका धरिबे एवं जो एथलीट माने वर्तमान रहिछन्ती जहांको खेल शेष आड़को थिला सेही एथलीट माने ही हमर जो क्लोजिंग सेरेमनी ने जोग देबे। तेणु क्लोजिंग सेरेमनी सरीबा परे भारतीय दल जो माने सब एथलीट रही जाइथिले से माने मध्य स्वदेश प्रत्यावर्तन करिबे जहां हम पकर सूचना रहिछि से मानको मध्य विमान बंदर रे भव्य स्वागत संवर्धना दबार कार्यक्रम मध्य रहिछि। अन्य पक्षरे आपण जानिछन्ती पीवी सिंधु को कथा कहिबा किंबा उड़िया राबिका दूती जान कथा कहवा जो मैं सब इवेंट सरी जाए से सब आथलेट बर्तमान स्वदेश को प्रत्यावर्तन कर सारे बाकी शेष आड़क जो मानक रेसलींग इवेंट कथा कहवा किंवा अन्य इवेंट गुड़ा जो मैंने थे जो आथलेट मैंने जोगदान करते से बर्तमान आज जो क्लोजिंग सेरेमनी अच्छी या पर फेरबार कार्यक्रम रही। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत साहू भुवनेश्वर प्रतिनिधि अधिक सूचना दौले। निश्चित भाव एक गौरवान्वित मुहूर्त जिते बड़े स्वर्ण पदक जीति भारत ना सहित आम समस्त ना को निश्चित भाव एक आहुरी अधिक खुशी लगुच्छे और आम समस्त आहुरी अधिक भल लगुच्छी। तो अपेक्षा रही है केते बेले फेरिबे भारत एवं आमे समस्ते भव्य स्वागत संवर्धना देखिपरिया।
क्रीड़ा महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक को नहीं सारा विश्वर खेला नजर किए नुआ इतिहास रचना करुछि तो आउ किए पुराना इतिहास को भांगे सृष्टि करुछि नुआ कीर्तिमान यहाँ भितर बालेश्वर जने चित्रकर टोक्यो ओलंपिक को नहीं चर्चा परिसर को आसी चित्रशिल्पी अर्चना जेनांकर पेंटिंग टोक्यो ओलंपिक अवसर में प्रदर्शित होगापी मनोनीत होती आसंता 8-24 तारीख पर्यंत वर्चुआल मोड्रे अनुषित होगा आंतर्जातिक चित्रकृति प्रदर्शन में अर्चना जेनांकर पेंटिंग विचारक मानक द्वारा मनोनीत होइथिबारु तांकु ए बिरल सुजोग मिलिछि। रेमुणार जानुगंज नोडाल उच्च प्राथमिक विद्यालय कला शिक्षयित्री रूप से कार्य करती अर्चना पूर्वर ओडिशा ललित कला एकेडमी द्वारा अनुष्ठित विभिन्न प्रदर्शनी रे प्रदर्शित करथिले निजर चित्रकला ता संगे अर्थराशि मध्ये पुरस्कृत होइछन्ति। खुशी अछि बहुत बापा माँ भी बहुत खुशी अच्छा मोर गुरु निकुंज सर मो सान भी दुईज से मैंने भी मत बहुत एनकरेज करती नानी तुम पेंटिंग करो मु बहुत खुशी अच्छी मुझे मो झ बहुत आग को जाऊ आमती न रही जाऊ निज अभिनय जादुरे जे दिने समस्त हसाऊ निज कला माध्यम रे समस्त जे बांधि रखुले आज से निजे अवहेलिता 70-80 दशक अभिनेत्री मीरा महांती एवं दुर्दशा भितर गति करावर प्रतिध्वनि समय बड़ बलवान किए कहार भली अनेक हिट फिल्म रे से काम करज अभिनय जादू बल दर्शकों मन मोहुले किंतु एबे से दुर्दशा भितर गति करुछंती विभिन्न रोग रे पीड़ित ता सहित सबुदिन पई अभिनय जगत को छाड़ी चली चंती। ओडिशार अनेक कलाकार एबे अवहेलित होई रही चंती सेमानों को सरकार अणदेखा न करंतु बोली अनुरोध करी चंती मीरा। मुं का जंते जादेवर संपूर्ण रामायण प्रतिध्वनि सुवर्ण सीता समय बड़ बलवान आहुत बोली मैं रोल कलापुर कैंसर हो गला कैंसर हो गला बहुत कलाकार मैंने मतलब साहय कले कटक कैंसर वार्ड लाइट पड़ा 30 तापर डायबिटीज हो गला डायबिटीज पर आंगुल गुड़ा सब कटा हो गला पेंशन मिलती माँ सेंट्रल पेंशन 4 बंद हो गला मामा तापर स्टेट पेंशन भी मुझे पकईन मत स्टेट पेंशन कई कई दौना करदेने कल्चरल डिपार्टमेंट डायरेक्टर आसते आर वर्ष आसते 50,000 टाँग देखे जाते 50,000 टाँग कौन ये मेडिकल बाबद सब धार उधार सब सुझेदे सुझे 10,000 कि 5,000 सेमती कुटकुट चल का जनते जादवर संपूर्ण रामायण प्रति गोरु अड्डा चढ़ाव कर 40 अधिक गोरु को उद्धार कर बरगढ़ जिला भेटेन ब्लॉक सुना लरंभा पंचायत निकट कूलतात्रिकारु गोरु को उद्धार कर स्थानीय अंचल में दीर्घ दिन धरी गोरु चालन अभियोग आ गोरु अड्डा स्थानीय लोक एवं बजरंग दल मिलित चढ़ाव में गोरु मान उद्धार कर गोरु अड्डा गो चालनकारी विभिन्न स्थान गाई गोरु को आनी बाहर जगह को चालन करते गोरु को उद्धार बेले किसी गो चालनकारी फेरार होता सूचना रही कि घटनास्थल फेरार अच्छा ए बाबद अधिक सूचना पाई कौशिक महाकुड़ अताबिरा प्रतिनिधि फोन लाइन रे अच्छा कौशिक केते दिन रु ए अभियोग सामना को आसुथला जे गो चालन करा जाउची एवं वर्तमान समय रे जेभली भाव रे चढ़ाव करा गला कोन कोन तथ्य सब सामना को आसिला जो माने फेरार अछंती तांको धरिबा पई किभली चेष्टा करा जाउची से जबो गोटे नोवा तांको अड्डा तयारी करचंती से आस्ते स्थान रे ए माने दीर्घ दिन रु एही स्थान रे तांको अड्डा तयार करे माने तांको व्यापार चलैछिले देखो मैडम यही जो स्थान विभिन्न अंचल रू गाई से मैंने लोक विभिन्न गाँव रू चोरी कर जगह को नहीं आठ बांधिक रखला किसी दिन सब जमा कर सारापुर बड़ा लंबा लंबा गाड़ी गुड़ाक जो कंटेनर मध्यम से मैंने लोड कर विभिन्न राज्य बाहर को आश बाहर को सप्लाय कर स्थानीय अभियोग रही बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना कौशिक महाकुड़ा मो प्रतिनिधि अधिक सूचना दूसरे
बुलेटिन को ये रखा नमस्कार।